रविवार रात 9 बजे गीता भगवान पशुपतिनाथ मेले में पहुंची तो दर्शकों ने उनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। नगरपालिका की ओर से गीता रेबारी का जोरदार स्वागत किया गया। अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्षद गण मौजूद रहे। वहीं कड़ी ठंड के बावजूद दर्शक गीता के संगीत का आनंद लेते दिखे। गुजरात की गीता रेबारी ने बताया कि बचपन से ही मैं संगीत का गायन कर रही हूं। सभी जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। ज्यादातर मेरे कार्यक्रम भक्ति भजन के होते हैं, भगवान कृष्ण के, राम के, शिव के, तो लाखों की तादाद में लोग एकत्र होते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो छोटे से परिवार से आई हूँ, लोगों ने मुझे पहचाना है और अपना आशीर्वाद दिया है, यही बहुत गर्व की बात है। मंदसौर में पहली बार आई हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं मंदसौर की आभारी रहूंगी। नीमच रतलाम में मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं और सभी मंदसौर वासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ए माँ। भाग्यशाली है कि जिनकी 100 साल की उम्र है माँ की, जिनकी 90 साल की उम्र है वो खूब भाग्यशाली है कि जिनकी माँ ने उनके साथ इतने सारे साल बिताए। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले। सोल्ट में पता और अभी जो प्रोग्राम भारत के जितने भी लोग हैं, हमारे गुजरात के लोग हैं, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं तो बहुत सारे मोटे लोग आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम भक्तिमय होते हैं, भगवान शिव के या कृष्ण के, राम भगवान के, तो सारे लोग आते हैं, बहुत प्यार देते हैं और सब वातावरण भक्तिमय होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार देते हैं। जी मैं छोटे से परिवार से आई हूँ और भगवान की कृपा रही है कि लोगों ने मुझे पहचाना है, हम लोगों ने प्यार दिया है, तो सबको मैं कहूँगी कि आप सब मेहनत करते हो, आपको मंसूर के लोग बहुत प्यार करते हैं। और मैं पहली बार मौका करने के लिए आई हूँ, जैसे रतलाम नीमच तक तो मैंने प्रोग्राम किए हैं, तो थैंक यू आप सब आए और आप सब मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।